हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पार्ट टू, और जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था लाइव सेशन के अंदर, और आज मैं कुछ रीज़न की वजह से लाइव सेशन नहीं ले पाई, इसी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर वी हैव हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझा था, और उसी तरह हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट रन के अंदर जो है फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन को अगर हमने बढ़ाना है तो हमें वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। आज हम इसकी जो तीनों स्टेजेस हैं उसको हम जो है गहराई के साथ जो है स्टडी करेंगे, और ये भी स्टडी करेंगे जो डिमिनिशिंग रिटर्न है ये एग्रीकल्चर को क्यों अप्लाई होता है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो रिटन नोट्स थे वो मैंने उसके लिंक में डाल दिए हैं, और उसी तरह जैसे ये हमारा टॉपिक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा आपको इसके रिटन नोट जो है पूरे एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। और वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा था कि डिस्कस दी लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अगर देखो ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल है, अगर वहाँ पे डिस्कस दी लॉ ऑफ प्रोडक्शन आता है तो वहाँ पे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल का बताना है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सो दिस इज दी, इसका मतलब होता है कि जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हमें बताता है कि जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को ज़्यादा लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन जो है हाई रेट से इंक्रीज होती है। जिस रेट से हमने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ किया होता है वहाँ पे उससे ज़्यादा रेट पे, अगर हमने 100% पे किया है तो टोटल प्रोडक्शन जो है 100% से ज़्यादा इंक्रीज होती है। ये जो लॉ है डैट इज़ गिवन बाय एंटोनिया सीरा। ये लॉ हमें एक तो इंक्रीजिंग टर्न के अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू बेनहम, एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज अप टू ए पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर विल इंक्रीज। इनिशियली देखो जब हम, क्योंकि फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे पहले हमारे पास 1:1 है, फिर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब हम एक सीमा तक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उसकी इंक्रीज करती है। मार्शल के मुताबिक जब हम लेबर जो है उसको इंक्रीज करते हैं तो उससे एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, ये जो लॉ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा एप्लीकेबल है, एग्रीकल्चर के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये जो लॉ है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो मार्शल के व्यू पॉइंट से सहमत नहीं है। उसके मुताबिक ये जो लॉ है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। हाँ, एग्रीकल्चर के अंदर इसका ड्यूरेशन जो है लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि जो अजम्पशन लेते हैं कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो देयर इज़ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे एक फैक्टर जो होता है इंडिविजिबल होता है। इंडिविजिबल का मतलब होता है कि जैसे मुझे एक मशीनरी चाहिए जो 50 यूनिट्स बना सके, बट मार्केट के अंदर 100 यूनिट्स वाली अवेलेबल है, तो मुझे 100 यूनिट्स वाली परचेज करनी पड़ेगी। और जो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, जिनको जैसे हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके मुताबिक हम इसको ले सकते हैं। और उसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ये यूनिट्स ऑफ कैपिटल है जो कि फिक्स्ड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम लेबर को इंक्रीज़ करके कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने लेबर को इंक्रीज़ किया टोटल प्रोडक्ट हमारा तेज़ी के साथ बढ़ता है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिस रेशो से हमने वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया है उस रेशो से ज़्यादा से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है आप 10, 20, 30, 40
या 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ले लो। तो यहाँ पे ये जो हमारी बेसिकली जो कर्व आता है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे जो है 10 है इस तरह से, और 2nd पे जो है 15 है इस तरह से, तो इस तरह से इसकी जो शेप आती है वो इन नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जो इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है डैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। एज वी क्लियरली सी फ्रॉम दिस टेबल एंड डायग्राम, एज यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब हम इस लॉ को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो, ये यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, ये यूनिट्स ऑफ लेबर है, ये टोटल कॉस्ट है। एक लेबर को हम 100 रुपीज़ देते हैं, तो जैसे जैसे हम लेबर को ज़्यादा रख रहे हैं तो देखो 2 को 200, 300 को 300, 4 को 4 × 100, तो जो हमारा ये टोटल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने बेसिकली जो है टोटल कॉस्ट जो है उसको टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया। 100 डिवाइडेड बाई 10, 200 डिवाइडेड बाई 25, 300 डिवाइडेड बाई 45 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है डेट गोज ऑन रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे आप यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हो और इधर आप जो है एवरेज कॉस्ट लेते हो, जो कि इस शेप में आती है कि जो कि ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रही है, कि जैसे जैसे हम लेबर को ज़्यादा रख रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो कम होती जा रही है। तो इसके जो रीज़न होते हैं, एक तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि जो फिक्स फैक्टर होता है उसको हमें पूरा का पूरा लेना पड़ता है, और जैसे जैसे हम लेबर को ज़्यादा रखते हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल होता है, और जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो वहाँ पे शुरू में क्या होता है कि फिक्स फैक्टर की जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और उसी तरह जब हम बड़े स्केल पे काम करते हैं तो हमें इकोनॉमीज भी अवेलेबल होती हैं। और ये जो लॉ है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है, बट जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, बट टू उसका ऑपरेशन जो होता है बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लैंड होती है, मशीनरी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इंडस्ट्री लैंड कम इस्तेमाल होती है, नेचर का इन्फ्लुएंस कम होता है, और इंडस्ट्री के अंदर जो है डिवीज़न ऑफ लेबर पॉसिबल होती है, और वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जो है अवेलेबल होती हैं। और उसी तरह जो सेकेंड फेज है डैट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट टर्न, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड विद अ फिक्स फैक्टर, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टेंड टू रिमेन कॉन्स्टेंट। टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज तो करता है बट कॉन्स्टेंट रेट पे करता है। जैसे जैसे हम लेबर को हायर करते जाएंगे तो वहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, वो कॉन्स्टेंट ही रहता है। टोटल आउटपुट जो है वो भी कॉन्स्टेंट रेट पे ही इंक्रीज होता है। इफ़ द एक्शन ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग आर बैलेंस, देन वी हैव द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट टर्न। इसको हम कॉन्स्टेंट कॉस्ट के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम देखो यहाँ पे लेबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टीपी जो है हमारी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है 50 माइनस 25, 75 माइनस 50, 100 माइनस 75, तो ये भी कांस्टेंट है। और उसी तरह देखो जो हमारी यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ लेबर लिया, इधर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ली, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है। और उसी तरह इस लॉ को हम डिमिनिशिंग कॉस्ट के अंदर भी जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक लेबर का रेट जो था 100 रुपीज़ था, 2 का 200 हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये टोटल प्रोडक्ट हो गया। एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टीपी, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, और इधर हम एवरेज कॉस्ट लेते हैं। इसकी भी जो शेप आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जो हमें बताती है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, और एवरेज कॉस्ट पे जो है वहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब हम करेंगे बहुत ही सिग्निफिकेंट इसके ऊपर भी जो है
बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो वहाँ पे अगर ये मतलब वो मैंने आगे चल के आपको बताया भी है कि ये लॉ जो है एग्रीकल्चर के ऊपर क्यों एप्लीकेबल है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कम्बाइंड विद दी सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ एनी वेरिएबल फैक्टर्स, तो वहाँ पे टोटल आउटपुट जो है इंक्रीज होता है बट डिमिनिशिंग रेट। तो जब एक सीमा के बाद हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो वहाँ पे टोटल आउटपुट जो है घटती हुई दर पे इंक्रीज होता है। एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एनी वन इनपुट विच इज़ कम्बाइंड विद द फिक्स क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है डैट गोज ऑन रिड्यूसिंग। इसकी जो अजम्पशन है, ये जो लॉ है शॉर्ट रन के अंदर एप्लीकेबल है। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम ऑपरेट नहीं कर सकते। शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो वो सारे वेरिएबल फैक्टर के जो यूनिट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक तरह की उसकी क्वालिटी होती है। और यहाँ पे चेंज इन द फैक्टर प्रोपोर्शन, देखो जैसे पहले 1:1 है, फिर 1:2 है, फिर 1:3 है, तो यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर जो पोर्शन है वो चेंज होता रहता है। और यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है और प्राइसेस के अंदर जो है कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको भी क्या है कि हम 2 वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो है डिमिनिशिंग रिटर्न, सेकेंड जो है इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम यूनिट्स ऑफ लैंड के साथ जो है यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने लेबर को इंक्रीज़ किया है टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा इंक्रीज़ तो हो रहा है बट घटती हुई दर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, जैसे सेकेंड यूनिट की है 90-50, थर्ड की जो है 120-30, 145-120, 165-145। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है डैट गोज ऑन रिड्यूसिंग। यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं, यहाँ पे हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इसका जो कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ आता है कि जैसे जैसे हमने लेबर को ज़्यादा रखा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। एज वी सी फ्रॉम दिस टेबल, एज मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर अप्लाइड द टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो गोज ऑन रिड्यूसिंग। और इसी तरह इस लॉ को हम इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लैंड है, यूनिट्स ऑफ लेबर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा टोटल आउटपुट है, तो यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट है। एक लेबर की कॉस्ट जो है 100 है, दो की 200, 300, 400, 500। तो उसी तरह एवरेज कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है डैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे इसकी जो शेप है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जो इंडिकेट करती है जैसे जैसे हम लेबर को ज़्यादा रखेंगे उसकी कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। तो इसकी जो रीज़न होते हैं वो भी हम देखते हैं, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो जो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम क्योंकि क्योंकि शुरू में जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो फिक्स फैक्टर की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिक्स फैक्टर जो है क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा जब लेबर रख लेते हैं तो फिक्स फैक्टर जो है हमें जो है वो हमें मतलब कम रिटर्न देने लगता है। और फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को भी हम एक सीमा तक रख सकते हैं। जैसे मान लो एक मशीन है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 लेबर रख सकते हैं, बट अगर हमने ज़्यादा लेबर को इंक्रीज़ किया तो वहाँ पे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और उसी तरह क्या है कि देखो फिक्स फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो एक सीमा तक ही कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये जो लॉ है डैट इज़ एप्लीकेबल टू द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जो है लेबर और कैपिटल जो है एक सीमा तक इंक्रीज हो सकता है क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर्स है, लैंड जो होती है फिक्स फैक्टर है, तो लैंड को हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। तो जब हम लेबर को इंक्रीज़ करते हैं तो एक सीमा तक जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे नेचर का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैन का रोल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे माइंस एंड क्वेरीज,
जैसे जो मतलब माइंस होती हैं जहाँ से हम जैसे कोयला निकालते हैं या कोई खनिज पदार्थ निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हमें ज़्यादा मिनरल चाहिए तो हम ज़्यादा डीप जाते हैं, तो वहाँ पे हमें लाइटिंग, पंपिंग और ज़्यादा लेबर देनी पड़ती है, तो कॉस्ट बढ़ती जाती है। और उसी तरह जंगल के अंदर क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम डीप जाते जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। उसी तरह जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर भी देखो जितनी हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं उसका खर्चा बनाने का ज़्यादा होता है, और जब हम रिटर्न देखते हैं तो कम होता है, क्योंकि जो ऊपर वाले घर होते हैं अपर स्टोरी, जैसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो उनके रेंट कम होते जाते हैं। इसी तरह जो पॉटरी बर्तन बनाते हैं या ब्रिक्स हैं, तो वहाँ पे भी ये लॉ अप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम मिट्टी से बनाते हैं तो नेचुरली मिट्टी को हमें ज़मीन से खोदना पड़ता है, तो जितना डीप जाते जाएंगे उतने ही खर्चे हमारे बढ़ते जाएंगे। उसी तरह जब हम फिश को कैच करने के लिए समुंदर में जाते हैं, ज़्यादा फिश को पकड़ने के लिए, तो हमें डीपली जाना पड़ता है, तो उससे खर्चा भी हमारा बढ़ जाता है, तो इतनी रिटर्न ही हमें मिलती। और उसी तरह ये जो लॉ है, देखो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर ये काफ़ी देर के बाद अप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिकली लैंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ पे कैपिटल और लेबर जो है इस्तेमाल किया जाता है, बट वहाँ पे भी कैपिटल को हम चेंज नहीं कर सकते, लेबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह जब हम ज़्यादा लेबर को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो रिड्यूस होती जाती है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, डैट इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, कैन बी एप्लीकेबल एनी वेयर, इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, क्योंकि जो ये जो लॉ है एग्रीकल्चर के ऊपर जो है ये क्विकली लगता है, इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी देर के बाद लगता है। वाई दिस लॉ जो है डैट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर, क्योंकि जैसे कितना रेनफॉल हो रहा है उसके बीच में डिपेंड करती है, तो ये चीज़ें जो होती हैं अनसर्टेनिटी होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है। और उसी तरह जो एग्रीकल्चर है सीजनल है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉस्ट हमें पूरा साल भरनी पड़ती है तो रिटर्न हमें कम मिलती है। एग्रीकल्चर दूर दूर तक फैली होती है, इसको सुपरवाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और ज़मीन जो है उसके अंदर फर्टिलिटी की भी डिफरेंस होता है। एग्रीकल्चर के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर के अंदर मशीनों का इस्तेमाल कम किया जाता है, और जो लैंड होती है वो जितनी नेचर ने की है उतनी ही होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो लैंड जो होती है फिक्स फैक्टर होती है। और ये जो लॉ है डैट हैज़ वेरी मतलब इम्पॉर्टेंस बेसिस ऑफ माल्थिसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ इन्वेंशन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन, बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे बेसिस ऑफ माल्थिसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे माल्थिसियन थ्योरी कहती है कि जैसे पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती है बट क्योंकि ज़मीन फिक्स होती है तो प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ पाती। और उसी तरह देखो जो रेंट है, कि जब हम लेबर और कैपिटल को पहला डोज देते हैं तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिलती है, उनको ज़्यादा रेंट मिलता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है फॉल करती रहती है, तो इस लॉ को हम रोकना चाहते हैं, तो इसीलिए इन्वेंशंस होती हैं। और उसी तरह क्या है कि ये जो लॉ है इसके द्वारा हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन जो है डिटर्मिन कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है कहाँ पे ऑप्टिमम आउटपुट जो है प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब भी हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के साथ जो है कंपेयर करते हैं। अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ दी रेवेन्यू जनरेटेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल, तो एडिशनल कॉस्ट क्या है, एडिशनल रेवेन्यू क्या है, जहाँ पे ये बराबर हो जाता है वहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जो क्योंकि यही रीज़न होता है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, तो वहाँ से जो पॉपुलेशन है इंडस्ट्री की तरफ जो है शिफ्ट होती जाती है। उसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी इसी लॉ की वजह से क्या होता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डैट गोज़ ऑन फॉलिंग, तो स्टेशनरी स्टेट के अंदर जो है पहुँच जाती है,
उसी तरह जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जैसे बंदे दो चाहिए होते हैं, बट पूरी फैमिली वहाँ पे काम कर रही होती है, 5 लोगों की, मतलब जितने भी बंदे हैं, तो वहाँ पे छुपी हुई बेरोजगारी ज़्यादा होती है, क्योंकि उतनी हमें लेबर नहीं चाहिए होती है जितनी कि वहाँ पे लगी होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है कम होती है। तो ये हमें छुपी हुई बेरोजगारी के बारे में भी जो है एक्सप्लेन करता है। और ये जो लॉ है इसकी बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये जल्दी एप्लीकेबल होता है। और उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डैट विल बी रिटर्न टू स्केल। अगर हमने लाइव सेशन लिया तो उसके अंदर हम रिटर्न टू स्केल प्लस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है इकट्ठे ही करेंगे।